प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत आपने कहीं जगह सुनी होगी, ये यूट्यूब पर भी एप्लीकेबल है। कई सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना है, जो कई सारे यूट्यूबर्स करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उस वजह से उनका चैनल बंद हो सकता है, उनका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है रिव्यू में जाने के बाद। तो चलिए इन सारी चीजों पे और बातें करेंगे इस छोटे से इंट्रो के बाद। कई सारे यूट्यूबर्स इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं कि वाईफाई को कैसे हैक कर ले 5 मिनट में, या फिर कोई वेबसाइट को कैसे हैक कर ले 2 मिनट में, या फिर ऐसे भी कई सारे वीडियोस है कि आप इसका पासवर्ड हैक कर लीजिए, जीमेल का पासवर्ड कैसे हैक करें, फेसबुक का पासवर्ड कैसे हैक करें, ट्विटर का पासवर्ड कैसे हैक करें। तो इस तरीके की हैकिंग वीडियोस आपको नहीं बनानी है। इस तरीके की वीडियोस YouTube के गाइडलाइंस के खिलाफ है। YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस में हैकिंग पॉलिसीज करके एक सेक्शन है जिनमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि हम इस तरीके की वीडियोस नहीं बना सकते हो। अगर आप इस तरीके की वीडियोस बनाओगे तो आपको डायरेक्टली कम्युनिटी स्ट्राइक मिल जाएगा, और 3 कम्युनिटी स्ट्राइक मिलने पर आपका चैनल बंद हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इस तरीके की वीडियोस बनाई है तो उसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आप डिलीट नहीं करोगे तो रिव्यू में जाने के बाद आपके चैनल को डायरेक्टली स्ट्राइक मिल जाएगा और इस वजह से आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। ऑल इन ऑल मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप हैकिंग के वीडियोस मत बनाइए, इस वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।